बेडोही यसु दुख देखस। हजारे आदमी आपो का चेला हो गवा, वे प्रभु यसुओ को आपो को बादशाह ठावो चाहता था, पर यसु इरा दुनिया को बादशाह बनवो ना चाहंदो तो यहूदी अगवान यानी पंच यसुओ को जाति में लेके आरा। सिपाही यसुओ के कोड़ा ठोकन, मोड़ा में थूकन, ठटोलियों करन, वे कांटा को ताज ठान उरो का माथा में धरन। तो भी यसु ना उनादे मुकाबलो करस, ना वरी हंदे भागवा की कोशिश करस। काकरो तो यसु या सजा दूसरा का पापा और डोहा दाणी सहर रो तो। हमरा पाप और डोहा ताणी यसुओ को रत बगारो गवो। सिपाही प्रभु यसुओ को बड़ा कोका लगा के सूलियों में टंगा दीन। उरो को रत बगवा लगरो और वो मरगो। एक सिपाही बड़ा आवाजों दे चिल्ला के कहस्त, बेशक यो भगवानों को बड़ो तो। प्रभु यसुओ का मर्रा के बाद उरो का दोस्त लाशी को सूलिया दे उतार के कफनों में वेहड़ के कब्री में धरन और कब्री का मोड़ा में एक बड़ो पत्थर दे दीन। यसुओ का जिंदा हुआ दे मोती की हार होगी। तीन दिना के बाद उरो का साथी कब्री में आरा। वे देखन ता बड़ो पत्थर एक पासा में पेड़ो है और कब्र खाली है, बल्कि यानी सिर्फ कफन यहाँ पेड़ो है। यसुओ की लाश यहाँ ना है। ईश्वरो का दूत उना आदमिया को सुनान ता यसु यहाँ कोना और जी उठरो है। पछे उना को याद आ गो त यसु कैस हुंदी त मैं तीसरे दिन जिंदो हो जासू। बहुत आदमी जिंदा यसुओ का दर्शन करन। प्रभु यसुओ को तोमा नाव को एक चेलो कैस्त, जैसाई में उरो का हाथा में किला का निशान ना देखसू और किला का निशाना में आपो की अंगलियों ना नाकसू, तेस्ताई असली ना मानसू। तब वो वाकी के जी उठरो है। पछे यसु तोमा को दर्शन दीस और आपो का जख्म दिखास। पछे तोमा मानस, प्रभु चाहंदो है त हमी बेबिना देख रे उरो में विश्वास ल्यासा। यसुओ को आकाशो भणी जाओ। यसुओ का जी उठरा के 40 दिना के बाद वो आपो का चेला को एक जबलो में ले गवो और वो कैस्त, अब मैं आकाशो में चलो जासू। मेरा जारा के बाद तमी आदमिया को बतायो त मकूना का पाप और डोहा की सजा तानी सूलियों में मारो गवो। को भी मेरो हुक्म मान दो है उरो को माफ करो जासी, वो आकाशो में मेरे भेड़े रहसी। पछे वे यसुओ को आकाशों में जांदे देखन। सूलियों में बलिदान हुआ के कारण हमा को मुक्ति मिल रही। सूली हमा को यसुओ की मौती की याद दिखांदी है। प्रभु यसु कदे भी पाप और डोह ना कर से। यसु हमरे करे पाप और डोहा की करे मौत कबूल करस। वो दूसरा का पाप और डोहा की सजा बर्दाश्त करस। यही एक बलिदान है जिरोदे ईश्वर राजी है। जद हमी पाप और डोहा को इकरार करता हूँ और यसुओ में विश्वास लांदो है तो हमरा पाप और डोह माफ हो जांदा ही। तमी जिंदगियों में कौन सो रस्तो चुकदा हो? प्रभु यसु दो रस्ता को जिक्र कर से, एक चौड़ो और दूसरो छोड़ो। चौड़ो रस्तो बुराया को है, तो भी हर आदमी उरो में चलवा तानी तैयार है। काकुरो त वो सवलो है, पर बर्बादियों भणी जांदो है। जेको भी आदमी यसुओ में विश्वास ल्यांदो है और उरो का हुक्मा में चलदो है
तब वो चौड़ा रास्ता को छोड़ के सोड़ा रास्ता में चलो शुरू कर दें दो है। का तमी प्रभु यसुओ में विश्वास लियावो चाहता हो। हर एक आदमियों को आपो ताणी फैसलो करवो है, तब वो चौड़ो रास्तो चुक दो है या सोड़ो रास्तो।